अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद अली आगा विद फ्रीडांस टीम। और व्यूअर्स, आज जो कार हम आपके पास लेकर आए हैं वो है जी टोयोटा करोला क्रॉस। और कार कहाँ पर हम आए हैं आज? टोयोटा सहारा मोटर्स, जो कि चेल रोड लाहौर पर है। तो ये कार जो है, आजकल आपको पता है इसकी रोड पर धूम मची हुई है। आपको पता है हम पाकिस्तानियों का एक है कि जैसे ही कोई न्यू कार लॉन्च होती है तो मेरा कोशिश होती है इसको पहले से जल्दी परचेज करके, तो इसको ट्राई ज़रूर किया जाए। तो आज हम इसी कार के बारे में हम आपके साथ सारी डिटेल शेयर करेंगे, इसके स्पेक्स, इसके एक्सटीरियर, इसके इंटीरियर के बारे में सारी डिटेल्स बताएंगे। अगर हम इसकी कुछ लुक वाइज बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी डोमिनेंट सी इसकी लुक है। और इसके अंदर जो लाइट्स में टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो बाय बीम टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। इसके अलावा इसके जो अपर साइड है वहाँ पर इसके DRL और इसके अंदर इंडिकेटर भी यहाँ पर माउंटेड है। और अगर हम इसके फ्रंटल ग्रिल की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टिपिकल टोयोटा का लोगो इसके अंदर ऐड है। और इसके अलावा नीचे की तरफ आप देख सकते हैं फोग लैम्प ऐड है, टो वाला ऑप्शन भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो इसी तरह अगर हम इसके थोड़े साइड प्रोफाइल की तरफ चलें तो इसके जो मिरर्स हैं वो कंट्रोलेबल हैं, रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिक मिरर्स हैं, इंडिकेटर इसके अंदर माउंट है। फर्दर इसके अगर हम टायर की बात कर लें तो आपको 17 इंच में अलॉय रिम के साथ आपको ये टायर मिल जाते हैं। देन आपको इसके अंदर वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं। और क्योंकि ये क्रॉस ओवर कैटेगरी की कार है तो इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको बहुत ज़बरदस्त मिलती है, 160 mm की ऑलमोस्ट आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी अवेल हो जाती है। डोर हैंडल्स वगैरह की बात करें तो उसमें सेम बॉडी कलर में यूज़ किया गया है। और अगेन ये 1.8 गैसोलीन वेरिएंट है इसका। और इसके अलावा आप इसके रूफ टॉप पे देख सकते हैं, इस वेरिएंट में आपको रूफ नेल्स भी मिलेंगे, टॉप साइड पे शार्फिन एंटीना भी मिलता है। बैक साइड पे हम इसके आते हैं तो बैक साइड पे अगेन आप इसकी लाइट देख सकते हैं, LED टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। सिर्फ इंडिकेटर में हैलोजन लैंप्स यूज़ हैं, करोला क्रॉस द नेम मेंशन है। और अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया था 1.8X वेरिएंट है ये इसका। इसमें अगेन मैं आपको बताता चलूँ, एक 1.8 आता है और एक 1.8X। देन अगर हम इसकी बूट स्पेस की बात कर लें तो यहाँ पे आपको एक ज़बरदस्त सी स्पेस मिल जाती है आपके लगेज वगैरह कैरी करने के लिए। इसके लोअर साइड पे आप देख सकते हैं कि आपको टायर चेंजिंग किट और ये टायर स्पेयर भी अवेल हो जाएगा। इसका लोकली असेंबल्ड वेरिएंट है करोला का। इसके अलावा इसमें इंपोर्टेड यूनिट्स आते थे। फर्दर अब इसके अगर हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर लें तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 47 लीटर में इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी मिल जाता है। फर्दर हम इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं और देखते हैं इंटीरियर में इसके क्या क्या चीज़ें ऐड हैं। थैंक्स टू द की जिसकी वजह से हमें इस कार में एंट्री मिल सकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं करोला क्रॉस ग्लॉसी ब्लैक के अंदर अंदर आप देख सकते हैं खूबसूरत सी इसकी ये की है। देन की हमारे पास है कि इस कार को हम स्टार्ट कर लिया जाए। तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके स्टार्ट स्टॉप का बटन है। देन हम इस कार को स्टार्ट करते हैं। तो कार जी ये गैसोलीन है, अगेन 1.8 करोला क्रॉस। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं इसकी मीटर की तरफ अगर हम आ जाएँ तो मीटर की लुक आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू 0 मीटर कंडीशन में। इसके अंदर 240 की मैक्सिमम स्पीड है, 8000 RPM है। देन इसकी हीटिंग कूलिंग वाली गेज है। इसके अंदर काफ़ी सारे इंडिकेटर्स वगैरह भी आपको मिलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कार को से मूव करने में, आगे पीछे करने में तकरीबन ये 25 किलोमीटर चली है। देन आप को इसके अगर हम स्टेयरिंग व्हील की तरफ आ जाएँ तो स्टेयरिंग व्हील जो है ना इसका बिल्कुल करोला जैसा है, ग्रैंडी जैसा 1.8 वाली फील आ रही है। लेकिन अगेन ये क्रॉस ओवर है तो थोड़ी हाइट से भी आपको फील हो जाएगा। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा जी क्रूज कंट्रोल का, सेकंड साइड पे आपको मल्टीमीडिया का कंप्लीट कंट्रोल मिलेगा। और ये स्पोर्टी सा स्टीयरिंग व्हील भी आप देख सकते हैं। ऑटो लाइट की एडजस्टमेंट वाली सेटिंग भी आपको इसके अंदर मिलेगी। देन आपको यहाँ पर मिलेंगे रिट्रैक्टेबल मिरर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एम्बिशन एम्बियंट लाइट भी इसके अंदर मिलती है। फर्दर अगर हम इसकी बात कर लें कुछ ओवरऑल डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त है। सेंटर में आप देख सकते हैं सिल्वर का यूज़ किया गया है, टू टोन में इसका डिज़ाइन किया गया है, इंटीरियर को कलर दिया गया है। और इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पर जो है आपको ये पैनल ये टच में दिया गया है। अगर आप इसका इम्पोर्टेंट यूनिट खरीदते हैं तो आपको उसमें टच पैनल नहीं मिलता, ये हम पाकिस्तानियों को याद आता है ज़्यादा इसको यूज़ करने की। और अगर हम इसकी बात करें इसके अलावा हम ज़रूर जाना चाहेंगे इसके रिवर्सिंग गियर पे, जिसको जैसे ही मैंने रिवर्स पे किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सारा वो चेकिंग साउंडिंग फॉर सेफ्टी और आपके वो मार्जिन सेफ मार्जिन वगैरह भी इसमें आपको मिल जाते हैं। देन आप इसको ये लेफ्ट एंगल से, राइट एंगल से या लेफ्ट प्लस राइट बोर्ड से इसको चेक भी कर सकते हैं। तो
इसके अलावा जी इसके अंदर आपको मिलता है जी ट्रैक्शन कंट्रोल वाला सेटअप, देन आपको इसके अंदर दो ग्लास होल्डर मिलते हैं जो कि अगेन खूबसूरत से इसके उसमें कवर्ड अप हैं ग्लॉसी ब्लैक में। और इसके अगर हम ग्लव्स बॉक्स की बात करें तो ग्लव्स बॉक्स में आपको एक अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है जिसके अंदर इसके वारंटी कार्ड वगैरह भी इस वक्त आपको मिल जाते हैं। अगर हम सीट्स की बात कर लें तो सीट्स जो है टोटल 5% की सीटिंग कैपेसिटी है और ये सीट्स जो हैं आपको लेदर में मिलती हैं। रूफ टॉप की तरफ अगर हम चले जाएँ तो आपको इसमें मिलता है जी सनरूफ वाला ऑप्शन, और सनरूफ वाला ऑप्शन मिल गया तो यार मज़े ही मज़े। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में जाने तो आप इसको फुली इंजॉय भी कर सकते हैं। सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ऑटो ब्रेकिंग देती है, इसके अलावा आपको 7 SRS एयर बैग देती है, प्लस इसके अंदर आपको सीट बेल्ट वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। बैक साइड पर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके बैक पैसेंजर का भी ख्याल किया गया है, उनके लिए ऐसी वेंट्स वगैरह का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो इसके अलावा बैक साइड पर आप देख सकते हैं लाइट्स वगैरह बैक पैसेंजर्स के लिए दी गई हैं, जो कि बैक पैसेंजर अगेन अगर आपको ट्रंक में कुछ चीज़ें वगैरह रखनी है तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला वेरिएंट थोड़ा सा आपको अगेन बता दूं, ये वाला वेरिएंट जो है आपका है जी 1.8X गैसोलीन। तो इसकी जो कॉलिंग प्राइस है यहाँ पे जी 89,81,000 है, और अगेन पायलट के लिए थोड़ा सा मार्जिन है और नॉन पायलट के लिए एक अच्छा खासा टैक्स पे भी आपको करना पड़ेगा। वो कितना पे करना पड़ेगा वो भी मैं आपको फर्दर बताऊंगा। तो व्यूवर्स आई होप कि आपको हमारा आज का ये रिव्यू पसंद आया होगा जो कि टोयोटा करोला क्रॉस पे था। और इसकी अगर हम प्राइस के हवाले से बात कर लें तो इस वक्त इसकी प्राइस कॉल की जा रही है 89,81,000 रुपीज़, और अगर आप फाइलर हैं तो आपको इसके ऊपर देना पड़ेगा तकरीबन 1.5 लाख रुपए, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको तकरीबन इस पर 4.5 लाख रुपये मजीद पे करने पड़ेंगे। तो खैर ये कार अवेलेबल है अगेन टोयोटा सहारा मोटर्स जेल रोड पर। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं आपको फर्दर इस कार के बारे में डिटेल देता रहूं और इसके किसी और वेरिएंट के बारे में, जो कि नेक्स्ट हम इसके बारे में ब्रीफ करेंगे टोयोटा करोला 1.8X हाइब्रिड के बारे में, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उसके लिए लाजमी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।